नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कोरोना संक्रमण को आए एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब दूसरी लहर में संक्रमण पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लोग लंबे समय से दवाइयों के साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, जैसे काढ़ा, हल्दी वाला दूध, स्टीम वगैरह। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को यह नहीं मालूम है कि इन्हें कब तक इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, क्योंकि अति किसी भी चीज की हानिकारक है। आज के शो में हम इन्हीं सवालों के जवाब एक्सपर्ट से जानेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अपर्णा जसवाल, जो कि डायरेक्टर कार्डियोलॉजी है फोर्टिस अस्पताल की। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं, डॉक्टर अपर्णा के पास मैं जा रहा हूं। जितने सवाल स्टीम को लेकर हैं, उतने ही सवाल गर्म पानी को लेकर हैं। लोग पूछ रहे हैं, गर्म पानी की बहुत चर्चा हो रही है, तो क्या सारा दिन गर्म पानी ही पिए? कितना पिए? कितनी मात्रा में पानी लेना चाहिए? 3 लीटर 4 लीटर? इस तरह के कई सवाल आ रहे हैं। कितना फायदा और कितना लें गर्म पानी को लेकर, डॉक्टर अपर्णा? नमस्कार। एंड जैसे हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने बोला, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टीम इनहेलेशन से जिस प्रकार हमारे सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट होगी, रिमेंबर स्टीम हमारे सिम्टम्स को बेहतर करेगा। देयर इज नो स्टडी जो बताए कि वायरस की रेप्लिकेशन को कम करेगा। सिमिलरली गर्म पानी से क्या होता है, हमारी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलती है एंड इन्फ्लेमेशन को आराम मिलता है। एज अ रिजल्ट हमारे जो नेजल एंड एयर पैसेजेस हैं वो खुल जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा स्टीम और एक्स्ट्रा गर्म पानी बार बार पीने से उनके पैसेजेस में इंजरी हो जा रही है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ओवर एंथुजियास्टिक ट्रीटमेंट इसका भी सही नहीं रहेगा। गर्म पानी की मात्रा ये है कि जब आपने पानी पीना हो तो आप उसको ल्यूक वार्म पानी पीजिए, इवन मोर सो। इसलिए हम सब जानते हैं, अगर आप बहुत ठंडी चीजें लेंगे, बर्फ वाली चीजें लेंगे, आपका गला खराब हो सकता है किसी और कारण से भी। वो पूरी पिक्चर को बहुत कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप इस टाइम पर ऐसा कोई एक्टिविटी ना करें जिसमें कि आपको और कोई और इन्फेक्शन हो सके। देखा गया है कि गर्म पानी पीने से आपके गले को आराम मिलेगा, यू विल सर्टनली बी बेटर। बट ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पानी पिए, क्योंकि कुछ बीमार पेशेंट्स हैं, उनको अपना पानी कंटेन करना होता है, उनके फ्लूइड्स कंटेन रहने चाहिए, स्पेशली जो बीमार हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं। ये भी हमने देखा है, वो अस्पताल में आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी का इंटेक ले रहे हैं, गर्म पानी का। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ये सिर्फ सिम्टोमैटिक रिलीफ है, ये ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। कोविड की ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी वही है जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, और अगला सवाल मास्क को लेकर है। मैं सवाल को लेकर डॉक्टर अपर्णा के पास जाऊंगा। डबल मास्क को लेकर बार बार सवाल आ रहे हैं डॉक्टर अपर्णा, और ये कहा जा रहा है कि इस बार क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, डबल मास्क जरूरी है। क्या हर वक्त आपको डबल मास्क लगाकर रखना चाहिए? जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, और इसका आंसर बहुत सिंपल है। देखिए, हम सबको समझना है कि अगर हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रहता तो हम शायद यहाँ ना होते जहां पर अब हम हैं। हाउएवर, हमें अब यहां से आगे चलना है तो डबल मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बट अगर आप ये क्लियरली समझें कि अगर जब हम मास्क पहनते इसलिए है ताकि हमारा नाक और हमारा मुंह अच्छे से सील हो जाए, हमको ये समझना है इस वायरस के पैर नहीं है। हम जाते हैं और वायरस को लेकर आते हैं। हम वायरस को वापस लेकर आते हैं कैसे? क्योंकि हम अपने मास्क को ठीक तरह से नहीं पहनते। हमें डबल मास्क पहनना चाहिए सिंपली बिकॉज द डिजीज इज मोर अग्रेसिव दिस टाइम। अगर हम अच्छा मास्क N95 मास्क पहनते हैं और हम इंश्योर करते हैं, मैं बार बार बोलूंगी कि हम उस मास्क को सील करें। हम एज डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं बार बार पेशेंट को बोलते हुए कि मास्क को आप ठीक तरह से पहनिए। हम सबको ये समझना है कि जो ये मास्क है उसको सीलिंग इफेक्ट करना है, उसको सील करना है हमारे नाक और हमारे मुंह और हमारे चिन के नीचे तक। हमें उस प्रकार मास्क पहनना है कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज कवर्ड। हम जब भी डबल मास्क पहनते हैं, इट इज अ डबल इंश्योरेंस। लेकिन अगर आप ट्रिपल मास्क भी पहने, चार चार मास्क कुछ पहनते हैं लोग, एक्स्ट्रा मास्क पहनते हैं, लेकिन उनका मास्क नीचे लटका रहेगा और उसको बार बार ऊपर करेंगे, कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार के कई
नंबर ऑफ मास्क पहनने से, अगर आप एक भी मास्क पहनते हैं लेकिन आप सही ढंग से मास्क पहनते हैं, ये मैसेज क्लियर होना चाहिए। हम सब बहुत परेशान हैं आज कोविड की लहर के साथ, और इसको मेन कंट्रोल करने के तरीके हैं कि हम अपने आप को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसका फर्स्ट है हम सही तरीके से मास्क पहने जब हम घर से बाहर जाएं, हम इंश्योर करें कि इट इज कंप्लीटली सील्ड। सीलिंग का मतलब ये होता है कि जब हम सांस अंदर खींचे तो मास्क अंदर की तरफ खींचे, और जब हम सांस बाहर ले हमारा सांस बाहर जाए। ये देखा गया है कि लोग जानकारी जानकर भी नहीं ये ठीक तरीके से पहनते और फिर बीमार हो जाते हैं। प्लीज इस दरिये को मैं यूज करना चाहती हूँ, सो आई सेंड द मैसेज क्लियरली अक्रॉस, मास्क इज योर बेस्ट वैक्सीन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट COVID-19। इसको प्लीज रिस्पेक्ट करिए और हम सब उसे अच्छे से पहने। ठीक है,